जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको बहुत सारे अमेजिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज तो दोस्तों कमाल के टेक न्यूज आए हैं, जल्दी से आपको सब कुछ बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S22, S22 प्लस और S22 अल्ट्रा इन तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, आपका भाई आज सुबह 6 बजे ही वीडियो बना दिया था। अगर नहीं देखे हो तो तीनों स्मार्टफोन्स का अनबॉक्सिंग भी दिखाया हूं, प्रोस एंड कॉन्स भी बताया हूं, इंडिया में कब तक आएंगे सब कुछ एक्सप्लेन किया हूं। नहीं देखे हो आई बटन पे दे देता हूं, जाके क्लिक करके देखो सब पता चल जाएगा। और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट एकदम अमेजिंग है, मैं आपको एक महीने से बोलते हुए आ रहा हूं कि OnePlus Nord CE2 5G आपको फरवरी के सेकंड वीक के आसपास लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा इंडिया में। और मैं आपको एक हफ्ते से लॉन्च डेट भी बताते हुए आ रहा हूं कि OnePlus का लॉन्च इवेंट होगा 17 तारीख को इंडिया में। तो 17 तारीख को OnePlus Nord CE2 5G लॉन्च हो जाएगा इंडिया में और आपके भाई को प्राइसेस भी पता चल गए हैं। प्राइसेस आपको बता देता हूं, 6+128GB का प्राइस होगा 23999 ₹24,000 और 8/128 का प्राइस होगा 24999 मतलब कि ₹25,000। तो अच्छा प्राइस है लेकिन OnePlus यार थोड़ा सा कम कर देते तो अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, OnePlus है भाई, क्या कर सकते हैं। वैसे अगर आप OnePlus Nord CE2 5G के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, वीडियो बना दिया हूं मैं, आई बटन पे दे देता हूं, जाके क्लिक करके देखो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप Oppo Reno 7 SE को जानते हो या फिर Oppo Reno 7 को जानते हो, वही है OnePlus Nord CE2 5G, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Realme C35 की तरफ से, आज ये स्मार्टफोन थाईलैंड में लॉन्च हो चुका है। भाई लुक्स वाइज तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, काफी प्रीमियम लुक्स के साथ आता है, फ्लैट बैक है, कैमरा हाउसिंग भी Realme GT2 सीरीज के स्मार्टफोन्स के जैसा है, लेकिन स्पेसिफिकेशन कुछ खास नहीं है। ₹13,500 का लॉन्च हुआ है ये थाईलैंड में, लेकिन स्पेक्स प्राइस को देखकर अच्छे नहीं लग रहे हैं। इंडिया में आएगा तो एटलीस्ट इसको ₹10,000 या फिर ₹11,000 के आसपास रहना पड़ेगा। और TFT पैनल क्यों दे दिए यार, इतना अच्छा अच्छा काम किए हो, IPS LCD पैनल दे देते। आपको कैसा लग रहा है Realme C35 कमेंट करके बताना और अपने ओपिनियंस भी बताओ, अगर ये लॉन्च होगा तो खरीदोगे इसको इंडिया में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है, रेड मैजिक 7 सीरीज के स्मार्टफोन 17 तारीख को तो लॉन्च हो ही रहे हैं, मैं आपको बता दिया था। लेकिन दोस्तों रेड मैजिक 7 सीरीज के अंदर में एक अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी वाला भी वेरिएंट होगा, जिसका पोस्टर आ चुका है, देख लो आपको ऐसा दिखाई देगा। देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है यार, कैमरा हाउसिंग चेंज कर दिया है। और रेड मैजिक 7 सीरीज के स्मार्टफोन्स के एंटूटू स्कोर्स आ चुके हैं, आई थिंक ये रेड मैजिक 7 का एंटूटू स्कोर है जो बहुत ही ज्यादा है, काफी अमेजिंग है। बस यार कुछ ही दिन की बात है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, स्टे ट्यून करिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8 Plus और Samsung Galaxy Tab S8 Ultra की तरफ से। इन तीनों टैबलेट्स के आपको स्पेसिफिकेशंस स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो स्पेसिफिकेशंस तो काफी अच्छे हैं, प्रीमियम फ्लैगशिप टैबलेट्स हैं। ये इंडिया में भी लॉन्च होंगे, इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में कुछ अगर मेरे को पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा, और जो भी प्राइजेस है वो भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो यार। प्राइसेस तो थोड़े से हाई फाई हो गए, लेकिन स्पेसिफिकेशंस भी हाई फाई है और वैसे भी अमेरिकन प्राइस है, इंडियन प्राइस थोड़ा सा कम हो सकता है। वैसे 8 Gen 1 के साथ ये लॉन्च होने वाले पहले टैबलेट्स हैं, 8 Gen 1 के साथ अभी तक कोई टैबलेट लॉन्च नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट सुन के आपके दिल को ठंडक पहुंच जाएगा, Samsung Galaxy S22 सीरीज के स्मार्टफोन्स और Samsung Galaxy Tab S8 सीरीज के टैबलेट्स, इन सारे प्रोडक्ट्स के प्री ऑर्डर्स चालू हो गए हैं Samsung इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जाओ जल्दी से कर लो, जब ये सेल पे उतरेंगे मार्च में तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे, जाओ जल्दी से। अगला अपडेट क्विक है, डिज्नी दोस्तों मेटावर्स को ज्वाइन कर लिया है, मेटावर्स में एंटर कर गया है। अगर आप मेटावर्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, आई बटन पे वीडियो दे दे रहा हूं, जाके क्लिक करके देखो, डिटेल में सब कुछ बताया हूं। टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन का दूसरा एपिसोड है, नया सीरीज शुरू किया हूं, कुछ अलग कर रहा हूं उसमें, जाओ जल्दी देख के बताना कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट सुनोगे तो मजा ही आ जाएगा। मैं आपको कल के टेक न्यूज़ में बताया था ना कि Realme GT2 सीरीज के स्मार्टफोन्स 28 तारीख को ग्लोबली लॉन्च हो रहे हैं, तो अब माधव सेठ सर भी टीज करना चालू कर दिए हैं। दैट मींस चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि ग्लोबल लॉन्च इवेंट में इंडियन लॉन्च इवेंट भी इंक्लूड हो जाए। अब माधव सेठ सर टीज कर रहे हैं तो चांसेस बहुत ही ज्यादा है भाई, तो वो क्यों टीज करेंगे ऑब्वियसली। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Asus की तरफ से, फाइनली Asus अपने नींद से जाग चुका है, अपने दो नए फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च करने वाला है, Asus ROG Phone 5S
और फोन 5S Pro, ये दो जो दोस्तों फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन्स है ना, आज से ठीक 3 महीने पहले लॉन्च हुए थे चाइना में और ताइवान में। वीडियो बनाया था मैं, आई बटन पे दे दूंगा, जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये 15 तारीख को लॉन्च हो जाएंगे इंडिया में, हाँ इसी 15 तारीख को वीडियो मिल जाएगा, स्टे ट्यून करिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आपको कंफ्यूज कर सकता है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहता है कि सुफियान भाई ओप्पो के F21 सीरीज का क्या हुआ, वो लॉन्च होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं आपको लाइव इमेज दिखा रहा हूँ, देख लो ये ओप्पो F21 Pro Plus है। और बहुत सारे लोग जो मेरे को पहले से फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि भाई ये कौन सा स्मार्टफोन है, ये OnePlus Nord N20 है। इसके रेंडर्स क्रिएट किए थे ऑनलाइन करीबन 2 महीने पहले, देख लो आपको ऐसा दिखाई देगा। और आपको मैं पूरा क्रम समझाता हूँ, ओप्पो A96 आज से 2 महीने पहले लॉन्च हुआ था, वीडियो बनाया था मैं, आई बटन पे दे देता हूँ, जाके क्लिक करके देखो सब पता चल जाएगा। ओप्पो A96 को ओप्पो कई जगह पे ओप्पो F21 Pro Plus के नाम से लॉन्च करेगा और OnePlus उसको भी रिब्रांड करेगा, OnePlus ओप्पो A96 को भी रिब्रांड करेगा और उसको OnePlus Nord N20 के नाम से लॉन्च करेगा हर जगह। मतलब कि एक फोन को सभी अपने अपने तरीके से रिब्रांड कर रहे हैं, ओप्पो A96, ओप्पो F21 Pro Plus भी है और OnePlus Nord N20 भी है। अगला अपडेट आ रहा है Samsung की तरफ से। Samsung दोस्तों आज बहुत ही अतरंगी पेटेंट किया है, मल्टीपल फोल्डिंग स्मार्टफोन। मतलब कि जैसे आप रुमाल को लपेट के फोल्ड करते हो ना, पहले ऐसे रुको, मेरे पास एक है बेंच साफ करने वाला, तो ये रुमाल हो गया, इसको ऐसे फोल्ड कर दिए, फिर इसको आप ऐसे फोल्ड कर दिए, फिर ऐसे फोल्ड कर दिए, हो गया ना फोल्ड। तो वही फोल्डेबल स्मार्टफोन में भी लागू होगा, देख लो वैसे ही कुछ पेटेंट है। मतलब कि कई बार आप फोल्ड करके एकदम छोटा सा बना के पॉकेट में रख लोगे, काफी इंटरेस्टिंग पेटेंट है और सैमसंग का कोई भरोसा नहीं है, सैमसंग ऐसा कर सकता है, ठीक है ना। अगर बात कर ली अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है बोल्ट एयरबेस 2 की तरफ से, जो आज लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में। इनका प्राइस है 2000 रुपए, इंट्रोडक्शनरी प्राइस है 1500 रुपए, 1500 रुपए में अच्छे TWS है, इनकी तरफ जा सकते हो, अच्छी वैल्यू देते हैं आपको। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आप पक्का सुने होंगे, कुछ लोग हैं जो कह रहे होंगे कि Realme GT Neo 3 के रेंडर्स आ चुके हैं, वो आपको ये रेंडर दिखा रहे होंगे। एक्चुअली दोस्तों ये OnePlus के कोई स्मार्टफोन का रेंडर है, जिसको कोई क्रिएटर, कोई है कॉन्सेप्ट क्रिएटर जो उसको कस्टमाइज कर दिया है और Realme का बता रहा है। Realme GT Neo 3 ऐसा नहीं दिखाई देगा, ये फेक रेंडर है। और जो मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बताया था करीबन 1 महीने पहले दिसंबर के महीने में कि आपको डोमेसिटी 900 मिलेगा, 100 वॉट चार्जिंग, वही दोस्तों अभी भी स्पेक्स अभी हर जगह दिखाई जा रहे हैं। तो बस अभी इतना इन्फॉर्मेशन है, रेंडर्स वगैरह कुछ भी नहीं अभी आ रहे हैं। और वैसे भी Realme GT Neo 3 आपको मई के मंथ में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, मैं आपको बताया था दिसंबर में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है BGMI की तरफ से। BGMI दोस्तों क्राफ्टन जनवरी के एंड से फरवरी का भी जो हम लोगों का भी हफ्ता चल रहा है ना, इन दिनों में 2 लाख से भी ज्यादा अकाउंट्स को बैन किया है। सही सुन रहे हो, 2 लाख से भी ज्यादा, भाई इतने ज्यादा लोगों को बैन कर रहे हो तो गेम खेलेगा कौन। लेकिन वो कुछ सोच के ही बैन कर रहे होंगे ना यार, अगर आप गलत काम करोगे तो बैन तो हो जाओगे। और ये हार्डवेयर वाला बैन होगा, मतलब कि उस फोन में वापस से खेल नहीं पाओगे आप, आपको नया फोन लेना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Redmi K40 e-sports स्पेशल एडिशन की तरफ से। इसके पूरे के पूरे स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं, देख लो यार, मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ, देख लो, देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्पेसिफिकेशंस काफी फाड़ू है। और पोको F4 GT जब ऐसे स्पेसिफिकेशंस के साथ आएगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो 30,000 रुपये में बैठेगा, फिर वो जाएगा 40,000 रुपये तक, क्योंकि 8th Gen 1 है, इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस है। तो मुझे नहीं लगता इस बार पोको F4 GT 30,000 रुपये के प्राइस पैकेट में फंसेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट सुनोगे तो आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। iQOO 9 Pro दोस्तों जब चाइना में लॉन्च हुआ था तो वो 2K रेजोल्यूशन के साथ आया था, यानी कि क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन। लेकिन जो iQOO 9 Pro है, इंडियन वेरिएंट है, जो Google Play Console लिस्टिंग पे लिस्ट हो चुका है, वहां पर दोस्तों हम लोगों को फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है। दैट मींस इंडिया में जो iQOO 9 Pro आएगा, डिस्प्ले के साथ iQOO कुछ छेड़छाड़ करेगा, आपको 2K रेजोल्यूशन नहीं देगा, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देगा। फिलहाल तो रिपोर्ट्स को देख के यही लग रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए iQOO को। आप स्मार्टफोन्स को खोलकर उनके अंदर में छेड़छाड़ कर उनके स्पेसिफिकेशंस को डाउन करना अच्छी बात नहीं है। जो स्पेसिफिकेशंस है उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के साथ रहने दो ना यार, अच्छा लगेगा उसमें। मत करो यार डिक्रीज, मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे अगर आप iQOO 9 सीरीज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, वीडियो बनाया था मैं, आई बटन पे दे देता हूँ, जाके क्लिक करके देखो, ये 2 महीने पहले चाइना में लॉन्च हुए थे, अनबॉक्सिंग भी दिखाया था मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट सुन के मेरे को कह सकते हो कि बहुत ही निराशा महसूस हुआ और बहुत ही गुस्सा भी लग रहा है, क्योंकि एक आम इंसान इतना पैसा कहाँ से लाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैं अपने फ़ोन में रिचार्ज करवाता हूँ 800-900 रुपये का, ठीक से याद नहीं है मेरे को, 555 का था, फिर 777 हुआ, उसके बाद तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहता है, जब रिचार्ज करने जाता हूँ तभी पता चलता है। 800-900 का ही करवाता हूँ ऑन एवरेज, क्योंकि फिर वीडियोज़ भी अपलोड करना होता है, वाईफाई कनेक्शन भी नहीं है मेरे पास और इतना पैसा ला भी नहीं सकता हूँ मैं, ठीक है।
तीन महीने लग जाते हैं इतना पैसा इकट्ठा करने में, और कुछ भी बाहर का कुछ भी खाता पीता तो नहीं हूं मैं, एंड घूमने फिरने में मैं इतना पैसा उड़ाता भी नहीं हूं। तो सब पैसा जमा करके रखता हूं कि नहीं भाई रिचार्ज करेंगे, वीडियोस अपलोड करने हैं यूट्यूब पे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। तो सीन ये है ना यार, मैं आपको दिसंबर में बताया था ना कि वोडाफोन अपने टैरिफ प्लान्स के प्राइसेस को इंक्रीज करेगा 2022 के मिड में, फिर एयरटेल भी कर देगा, फिर जियो भी कर देगा। तो अब एयरटेल भी कह दिया है कि हम भी कुछ ही महीनों के बाद अपने टैरिफ प्लान्स के प्राइसेस को इंक्रीज कर देंगे, फिर जियो भी कर देगा। ऐसे ही करते करते पूरा प्राइस बढ़ाते जाओ। अभी भी मेरे को वो दिन याद है जब मैं 40 रुपए का सिर्फ अपना एयरटेल सिम चालू रखने के लिए रिचार्ज करवाता था, अब वो 100 रुपए का हो गया है, फिर उसके बाद 120 130 का हो जाएगा। जो हम लोग 700-800 का रिचार्ज करवाते थे वो 900-1000 रुपए का हो जाएगा। भाई ऐसा कर रहे हो, अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप बहुत ही गलत काम कर रहे हो। एक आम इंसान कहां से लाएगा इतना पैसा इंटरनेट का रिचार्ज करवाने के लिए, अभी तो 5G भी आ रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है, Redmi Note 11 E Pro। ये दोस्तों बहुत जगहों पे लिस्ट हो चुका है, अब ये ऑल टुगेदर एक नया स्मार्टफोन सीरीज है Redmi Note लाइनअप के स्मार्टफोन्स के अंदर में। E लगा के लॉन्च करेंगे तब Redmi Note 11 E भी होगा। अब देखते हैं भाई ये कहां लॉन्च होते हैं, ग्लोबली लॉन्च होंगे कि चाइना में, कुछ अगर पता चलेगा तो बताऊंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है YouTube की तरफ से, काफी अच्छे अपडेट्स हैं। YouTube TV में अब आपको दोस्तों पिक्चर एंड फिक्चर का भी फीचर देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। YouTube Shorts जो लोग बनाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। YouTube Shorts में अब आपको सुपर चैट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं जो आपके फॉलोअर्स हैं अब आपको सुपर चैट भी कर पाएंगे, तो अर्निंग आप थोड़ा बहुत कर पाओगे शॉर्ट्स वीडियो से भी, और शॉर्ट्स वीडियो में आपको शॉपिंग का भी बटन देखने को मिल जाएगा। तो अच्छी बात है यार, क्रिएटर्स लोग और ज्यादा अर्निंग कर पाएंगे। वैसे अगर आप मेरे सुफियान शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाके कर लो, कमाल के शॉर्ट्स वीडियोस बनाता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ, अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर लेना उसको। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Xiaomi 12 Ultra की तरफ से। Xiaomi 12 Ultra में आपको 4860 mAh का बैटरी मिलेगा, यानी कि 5000 mAh का बैटरी और 120W के सुपर फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा। वैसे Xiaomi 12 Ultra आपको मई के मंथ में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा चाइना में। पहले Xiaomi 12 सीरीज के स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो जाए वही हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि लॉन्च नहीं कर रहा है Xiaomi, कर दो यार, बहुत लोग वेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद Xiaomi 12 Ultra आते आते तो साल बीत जाएगा, आप एक तरह से कह सकते हो सितंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Realme Pad की तरफ से। Realme Pad का एक ऑल टुगेदर एक नया वेरिएंट है, वर्जन है कह सकते हो, Realme का एक नया टैबलेट है जो एकदम एंटी लेवल का होगा, इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर गया है, यूनिसॉक के प्रोसेसर के साथ होगा। अब लेट्स सी, देखते हैं कब तक लॉन्च होता है ये, कुछ अगर पता चलेगा तो आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट बहुत ही झकास है, मस्त है, ऑसम है, सुनोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। देखो यार, मैं कोचिंग सेंटर से कोचिंग करके बाहर निकला, मैं सोचा चलो यूट्यूब थोड़ा सा खोलते हैं, कमेंट्स का रिप्लाई दे देता हूं मैं, तो मेरे को पॉपअप आया ऊपर कि शक्तिमान मूवी का टीजर आ गया है। मैं सोचा शायद फैन मेड होगा, मैं इग्नोर कर दिया, लेकिन मैं बोला नहीं, सोनी पिक्चर्स इंडिया लिखा हुआ था, मैं क्लिक करके जाके देखा वो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है सोनी पिक्चर्स इंडिया का, और वो ऑफिशियल टीजर है। मैं अपने दोस्त लोग को बताया, उन लोग भी बोले फैन मेड होगा, नहीं भाई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे उनका अपलोड हुआ है, वो भी देख के चौंक गए, सही बता रहा हूँ। शक्तिमान के 3 फिल्म्स आने वाले हैं, पहले फिल्म का जो दोस्तों टीजर है वो आ चुका है, सही बता रहा हूँ यार, मजा आ गया। अब देखते हैं यार कब इसका रिलीज डेट आता है, जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको अभी तक पता नहीं चला है जाओ यूट्यूब पे सर्च करो शक्तिमान मूवी, आपको टीजर मिल जाएगा, और कमाल का सूट है भाई, एकदम मॉडर्न कर दिया गया है, एकदम नॉस्टैल्जिक वाला फील है भाई, शक्तिमान से अपना टूरू लव है, आप बताना जल्दी जाओ। तो दोस्तों बस यही था फाइनल अपडेट, आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज पसंद आ गया तो इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो, एम करते हैं 90 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और साइड के बेल आइकन को दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा, और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं, रात को टेक न्यूज भी देता हूं, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। We'll be right back.